प्रशासन के नवे फरमान ने तंग किए लोग। हमारा शायद J&K अभी इंडिया का स्टेट पार्ट बन नहीं पाया, लगता तो यही है सर। परमिट अभी भी चाहिए और डेली पैसेंजर्स के लिए कोई रेस्क्यू नहीं है यहाँ पे। बिना कोरोना टेस्ट दे जम्मू च नो एंट्री। बॉर्डर पर जाने के बाद उन्होंने हमें नो एंट्री कर दिया, बोला आप अपना कोरोना टेस्ट लेके आओ और रजिस्ट्रेशन लेके आओ तब जाने दिया जाए। नौकरी पेशे वाले या होण यात्री सब ने दुखी। रोजगार है, कोई मजदूरी करता है, कोई दिहाड़ी लगाता है, वो क्या करे। आज इलेक्ट्रीशियंस है, वर्कशॉप है, कारों के ढाबे वाले हैं, जो सब पंजाब से आके डेली जाते हैं। जम्मू कश्मीर दे नवे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, जरूर सुनो लोका दा दर्द। पर ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी क्या चाहती है कोई समझ नहीं है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीरां लखनपुर बॉर्डर दियां ने। इससे बॉर्डर राही होर सूबियां दे लोग जम्मू कश्मीर विच दाखल हुंदे ने, पर इन्नी दिनी ये बॉर्डर लोकां लई परेशानियां दा कारण बनिया होया है। कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन वल्लों जारी कीतियां इन नवीं गाइडलाइंस ने, जिस दे मुताबक जम्मू जाण लई हर व्यक्ति नूं पहला कोरोना दा टेस्ट करवाना पवेगा। इन्ना ही नहीं, नवीं गाइडलाइंस मुताबक तां जम्मू आउण वालियां नूं 14 दिनां दे लई होम क्वारंटाइन भी होना पवेगा। मोदी सरकार दे खुल देण दे बावजूद लोकां नूं इत्थे खज्जल खुआर होना पै रिहा है, क्योंकि पंजाब या होर सूबियां तों रोजाना काम करन लई जम्मू जाण वाले लोकां नूं कई घंटियां तक तां टेस्ट रिपोर्ट दिखाउण लई ही इंतजार करना पैंदा है। 6 महीने हो गए जी घर बैठे हुए, उनका कोई प्रोसीजर नहीं है, खास करके जो डेली अर्निंग कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे वो नौकरी पेशा आदमी है, उनको कम से कम उनके लिए प्रोसीजर बनाना चाहिए। आप आम लोगों को ठीक है, आप उनको रोक सकते हैं कि उन्होंने कभी कभी आना, पर डेली वालों को आप ऐसा नहीं कर सकते। जिन्होंने अपने रोजी रोटी कमानी है, डेली पठानकोट से सांबा आना है, कठुआ जाना है या जम्मू जाना है, प्राइवेट जॉब वाले भी कब तक झेलेंगे। मैं खुद एक केमिकल इंजीनियर हूँ किसी एग्रो केमिकल कंपनी में, जो कि अंडर एसेंशियल सर्विस है। इनसे अभी हमने इनके DSP से भी बात करी, जिन्होंने सीधे मना कर दिया कि आपके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, आपको डेली टेस्ट करवाना है। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको यहाँ पे? ये जाने नहीं देते, 3-3 घंटे यहाँ पे वेस्ट होते हैं। डेली टेस्ट कैसे पॉसिबल है कि रोज आदमी छुट्टी मारेगा फैक्ट्री से और रोज टेस्ट करवाएगा? इनके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, खास करके नौकरी पेशे के लिए, जो अपना काम कर सके, जो दिहाड़ी लगा सके आने जाने के। केंद्र सरकार की तरफ से तो सभी बॉर्डर खोल दिए गए हैं। हमने MHA से भी बात करी, पर ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी क्या चाहती है कोई समझ नहीं है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। राजा पठानकोट का रहने वाला है और लगभग लॉकडाउन तो लगन तो बाद 3 महीने तक ही वेट किया जाएगा कि कोई डिसीजन आएगा, उसके बाद ही अपनी जॉब वास्ते कठुआ जा सकते हैं। बट जो इतने फर्स्ट टाइम आए थे तो इन्होंने रोकता सीगा कि विदाउट टेस्टिंग इतों नहीं जान देंगे, ठीक है, टेस्ट इतने करते नहीं है लखनपुर च, पठानकोट तो करवा कहते हैं, और उत्ते एक एक दो दिन तो वैसे ही लग जाते हैं। प्राइवेट सैक्टर से काम करने वाला बंदा अगर 2 दिन टेस्ट करवाच लगा देगा, 3 दिन जॉब पर जाएगा तो सैलरी कितों लेगा? टेस्ट करवा भी लई है, इतने आके फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, रसीदा कटाओ जी, पेपर बनाओ, पास बनाओ, उसके बाद तुम इतों जान देंगे। जिस इंसान ने 8 बजे 9 बजे जॉब पर जाना है, अगर वो घरों 7 बजे निकलेगा तो 9 तो इतने बच जाते हैं, उत्थे फिर जाके हाफ डे लगाएगा अपनी। उसके बाद जो इन्होंने अं काफ़ी इंडस्ट्री मैटर से कुछ गल्बात हुई साढ़े DIC पास बने, पर उत्ते अप्रूवल ये हो कि 15 दिन से 4 बारी आन दिता जाएगा। अगर कोई इंसान पूरे महीने से 8 दिन आएगा तो सैलरी पूरे महीने की किदा लेगा? जो व्यापारी, जो मजदूर, जो डेली वेजर्स, डेली जिनको जाना है वो कहाँ टेस्ट करवाएं? आप देख रहे हो यहाँ पे अगर लखनपुर में मुझे टेस्ट करवाना है 5 से 6 घंटे आराम से लगते हैं। यहाँ से आधे से ज़्यादा अभी लोगों को इतना रश होने के बावजूद जो आप देख रहे हो यहाँ से लेबर को भेजा जा रहा है, पठानकोट सिविल हॉस्पिटल जाके देख लो, वहाँ पे कम से कम 1000 आदमी इस टाइम भी खड़ा है जो बेचारे एक एक दो दो दिन से वेट कर रहे हैं। क्यों? वहाँ पे भी लोड ज़्यादा हो गया, तो अब डेली जिनको मूव करना है वो क्या करें? और नेशनली आप या तो डिक्लेयर करो ना कि यार J&K बॉर्डर इज नो। बुज़ुर्गों से सुनते थे कि जम्मू कश्मीर जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था, और आज लग रहा है 1947 वाला जो हमारे बुजुर्गों ने टाइम देखा हमें भी वही देखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सर रिक्वेस्ट है कुछ सोच लो।
समस्या सिर्फ कामकार वालियां नूं ही नहीं बल्कि माता वैष्णो देवी जान वाले श्रद्धालुओं नूं भी काफी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है। राजस्थान तो माता वैष्णो देवी जान वाले श्रद्धालुओं का यह जत्था इसे तरह रोकया गया है जिन्हां नूं पहला टेस्ट करवा के आने लिए कहा गया है। ये श्रद्धालु राजस्थान तो पंजाब राही लखनपुर बॉर्डर उत्ते तां पहुंच गए ने पर हुण ओ टेस्ट करवाउण लई किधर जाण उन्हां नूं इस बारे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहां से आए हैं आप और कहां जाना है आपको? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से गांव जाटूसाना से आए हैं और हमें माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी जाना था। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? अब यहां बॉर्डर पे जाने के बाद उन्होंने हमें एंट्री कर दिया, बोला आप अपना कोरोना टेस्ट लेके आओ और रजिस्ट्रेशन लेके आओ तब जाने दिया जाएगा। कौन से बॉर्डर पे पूछा आपको? जे एंड के बॉर्डर। कब के आए हुए आप? कल के आए जी, कल रात 7:30 बजे वहाँ आ गए थे। केंद्र सरकार की तरफ से सभी बॉर्डर खोल दिए गए हैं? सब खोल रखे हैं जी। और यहाँ यहाँ क्यों रोक लिया? और हमारे साथ पूरा संघ परिवार है और हमारे को रेवाड़ी से यहाँ तक किसी ने नहीं रोका और यहाँ जैन से मैं आके रोक दिया। वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई कोरोना का टेस्ट लाओ हैं और ऑनलाइन करवाओ, ये करवाओ। हम कल से परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं 3 हमारे साथ और संघ परिवार कल से परेशान हो रहे हैं, कोई हमारी पूछ नहीं हो रही और ऐसे ही हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। दस दईए कि केंद्र सरकार वालों जारी गाइडलाइंस मुताबक किसी नूं भी एक सूबे तो दूजे सूबे च जाण लई ना तां किसी पास की लोड़ है ते ना ही किसी भी तरह की टेस्ट रिपोर्ट की लोड़ है। पर फिर भी केंद्र शासित जम्मू कश्मीर विच खतरनाक बीमारी दे इस लाजमी टेस्ट ने यात्रियों नूं डरा जरूर दिता है। लखनपुर तो गुरप्रीत सिंह दी रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 9947 84374 9948। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।